हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं उन टाइप्स को भी हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है द फिज़िकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसिस इन नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में किस तरतीब के साथ कनेक्ट हैं उस तरतीब को यानी कि फ़िज़िकल अरेंजमेंट या फिज़िकल लेआउट को हम नेटवर्क टपोलॉजी कहते हैं साल के तौर पर हमने अगर उन डिवाइसेस को किसी सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट किया है तो उनकी लेआउट और होगी अगर उन्हें हमने स्केयर की फॉर्म में तरतीब लिया है तो उनकी जो लेआउट है वो डिफरेंट होगी तो इन मल्टीपल लेआउट्स को या अरेंजमेंट्स को हम नेटवर्क टपोलॉजी कहते हैं आ नैटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वेज कोई भी नेटवर्क मुख्तलिफ अंदाज से अरेंज किया जा सकता है डिफरेंट नेटवर्क टेपोलॉजीज़ आर एस पोलस हमारे पास जो मुख्तलिफ अकसाम हैं नेटवर्क टपोलॉजीज़ की वो कुछ इस तरह से हैं नंबर वन बस टपोलॉजी नंबर टू रिंग टेपोलॉजी नंबर थ्री स्टार टपोलॉजी नंबर फोर ट्री टेपोलॉजी एंड नंबर फाइव मैच टेपोलॉजी तो ये बेसिकली हमारे पास फाइव बेसिक टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की आगे हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क ये एक बहुत सादा सा नेटवर्क होता है इट पोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कम्प्यूटर्स इस टोपोलॉजी के अंदर हम बहुत कम तादाद के कम्प्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं इन बस टोपोलॉजी आल कम्यूर आर कनेक्टेड टू अ कामन कम्युनिकेशन मीडियम इस ट्रेपनोलॉजी के अंदर हम तमाम के तमाम कम्पुरस को एक कॉमन मीडियम के साथ कनेक्ट करते हैं दिस मीडियम इज ऑफ्टन आट्रल वायर नॉन एज आ बस ये जो मीडियम होता है कॉमन ये एक वायर होती है और उस वायर को हम बस कहते हैं एक डायग्राम की वजह मतलब से देखते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से आपको दिखाई देती हैं। लाइक like आपके पास ये एक बस होती है यानी कि एक वायर होती है जिसे हम बस कहते हैं और आपके पास जितने भी कम्यूटर्स हैं वो हम वन बाय वन करके इस बस के साथ या इस वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरतीब को बेसिकली हम बस टोपोलॉजी कहते हैं द टर्मिनेटर्स आर यूज एट द एंड ऑफ अ बस टू एब्जॉर्ब द सिग्नल्स ये जो सेंटर में वायर है ये बस है इसके जो कॉर्नर्स हैं इसके एंड के ऊपर हम टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं टर्मिनेटर बेसिकली सिग्नल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अकलन कैन ओकर इन बस टोपोलॉजी इफ बर्थ पोलॉजी ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम अगर इस टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल कम्य वक्त में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो क्लेय हो सकती है मिसाल तो के तौर पर कंप्यर वन और कंप्यूटर टू दोनों कंप्यूटर्स एक ही वक्त में कंप्यूटर थ्री को डाटा सेंड करने की कोशिश करते हैं तो जहाँ से कम्प्य वन से डाटा जाएगा और कम्यूटर टू से भी डाटा जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर क्लियन हो सकती है टकराव हो सकता है जिसकी वजह से डाटा के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं तो ये हमारे पास एक बस बसॉजी के अंदर प्रॉब्लम होती है इसको भी हम डिफरेंट मैथड से सॉल्व कर सकते हैं वो हम आगे जा के बात करेंगे इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बस बसबोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन पीयर टू पीयर नेटवर्क बस बसबॉलोजी को हम पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है ये हम पहले चैप्टर टू की सीरीज़ के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसे नेटवर्क जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स का जो स्टेटस होता है वो सेम होता है पीयर टू तो पीयर नेटवर्क कहलाता है तो बस बस्टपोलॉजी को हम पीयर टू तो पीयर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ बस टिपोलोगी। बस बस्टपोलॉजी काम किस तरह से करती है ये बस बस्पोलॉजी की डायग्राम है इस डायग्राम की मदद से हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं द सनी कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर द बस जो भी इन तीनों कम्यर में से सेंडर होगा वो डेटा और उसके साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस सेंड करेगा मिसाल के तौर पर कंप्यूटर वन यहाँ पे सेंडर है तो ये यह यहाँ से दो चीज़ें सेंड करेगा एक होगा डेटा और दूसरा होगा डेस्टिनेशन एड्रेस द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्राम वन कंप्यूटर टू तो द अदर इन द नेटवर्क अब ये दोनों चीज़ें नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे फिर दूसरे से तीसरे इसी तरह से अगर तीसरे के आगे कोई कंप्यूटर होता तो उसके पास जाती हैं यानी हर कमेर के पास वो डाटा और डेस्टिनेशन एड्रेस जाएगा एक सीक्वेंस के साथ ईच कम्य चेक द एड्रेस हर कम्यूर एड्रेस को चेक करेगा इफ इट मैच द एड्रेस कम्यर अगर उनका एड्रेस मैच हो जाता है द दम्य डाटा वो कम्यर उस डेटे को रख लेगा अदरवाइज द डाटा मूव टू द नेक्स्ट कम्यूर अगर उनका एड्रेस मैच नहीं होता तो डाटा नेक्स्ट यानी कि अगले कम्यर को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा मिसाल के तौर पर कमेर वन यहाँ से एक डाटा और साथ डेस्टिनेशन एड्रेस कम्यूटर थ्री का सेंड करता है यानी इसमें डाटा कम्यूर थ्री को सेंड करना है अब ये डाटा और एड्रेस सबसे पहले जाएगा कम्यूर टू के पास और यहाँ वो एड्रेस मैच होगा कम्यूर टू के साथ अगर तो वो एड्रेस मैच हो जाता है तो डाटा यहीं पर कम्यूर टू रख लेगा और आगे डाटा नहीं जाएगा लेकिन क्योंकि यहाँ पर डाटा का एड्रेस मैच नहीं होगा हमने तो थ्री को सेंड किया था तो टू के साथ मैच नहीं होगा जब मैच नहीं होगा तो वो डाटा आगे यानी थ्री के पास चला जाएगा यहाँ पे फिर उन दोनों को मैच किया जाएगा यहाँ पे मैच हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर को डाटा रख लेगा अगर यहाँ भी मैच ना होता तो इससे नेक्स्ट जो भी कंप्यूटर होता उसके पास हम डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं इस तरह डाटा हर कंप्यूटर के पास जाएगा और जिस कंप्यूटर के साथ उसका एड्रेस मैच हो जाएगा वो कंप्यूटर डेटे को रख लेगा बस टेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन पी टू बी एन नेटवर्क यहाँ पहले ही बात कर चुके हैं कि बस टेक्नोलॉजी पीए टू पी नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है अब हर टेक्नोलॉजी कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं इसकी बिना पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस इस्टपोलॉजी को इस्तेमाल करना है या नहीं करना तो बस स्टोलॉजी के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं पहला एडवांटेज ये है इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज इस स्टेपोलॉजी को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है सेकंड, इट इज लेस एक्सपेंसिव ये बहुत सस्ती बहुत कम पैसों में ये एडपोलॉजी तैयार हो जाती है सेकेंड पर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस नुकसान क्या कहें हैं इस्टोलॉजी के इट ओनली स्पोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कम्प्यूटर्स ये जो टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी ये सिर्फ चंद कंप्यूटर को सपोर्ट कर सकती है ये वहाँ भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर हमारे पास हज़ारों कंप्यूटर हों अगर आपके पास पाँच दस पंद्रह कंप्यूटर हैं तो आप इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ी तादाद है कम्प्यूटर्स की जिनको आपस में आपने कनेक्ट करना है तो वहाँ पर यह टोपोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो सकती द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज ए नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस जैसे जैसे हम इस टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं तो इस टेपोलॉजी की जो स्पीड है वो आहिस्त आहिस् कम हो जाती है तो ये हमारे पास थी बस टपोलॉजी नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टपोलॉजी क्या होती है स्टार स्टार्टोलॉजी आल कम्प्यूटर इन स्टार टपोलॉजी आर कोनेक्टेड सेंट्रल डिवाइस कार्ड हब दिस टॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर मॉडल स्टार स्टार्टोलॉजी के अंदर कहते हैं कि आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस जिसे हम हब कहते हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और ये टेक्पोलॉजी वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर क्लाइंट सर्वर मॉडल हो पीएर टू पीयर मॉडल नहीं बल्कि क्लाइंट सर्वर मॉडल ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगा यहाँ से हम आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है ये हमने बात की थी कि एक ऐसा मॉडल होता है इसमें कुछ कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं और कुछ कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं और सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं एक डायग्राम की मदद से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि आपके पास इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिवाइस होती है जिसे आप कहते हैं हब अब आपने क्या करना है तमाम के तमाम जो आपके पास हैं उन तमाम कम्यस को आपने कनेक्ट कर देना है इस हब के साथ तो इस तरह से आपकी स्टार्ट टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ स्टार्ट टोपोलॉजी क्या है द सेंडिंग द डेटा टू द हब इन चारों में से जो भी सेंडर होगा वो अपना डाटा डा सेंड करेगा हब को लेट्स यहाँ पे सेंडर है कमेर वन दर तो वन डाटा सेंड करेगा हब को द हब सेंड टू द रिसीविंग कम्प्यूटर फिर ये हब आगे डेटा सेंड करेगी रिसीविंग कम्प्यूटर को लेट्स रिसिविंग कम्प्यूटर हमारे पास है कम्य फोर यानी हमें कम्यर वन से कम्यर फोर में डेटा को सेंड करना है कमियर वन यहाँ पे सेंडर होगा और कम्यर फोर रिसीवर होगा कमिर वन डेटा सेंड करेगा हब को देन हब उस डेटा को ट्रांसमिट करेगी कम्प्यूटर फोर को ईच कम्प्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब इस नेटवर्क के अंदर तमाम के तमाम कम्प्यूटर जो हैं वो हब के साथ कम्युनिकेट करते हैं कोई भी कंप्यूर डायरेक्टली किसी दूसरे कम्पेर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि तमाम कंप्यूर डायरेक्टली हब के साथ कनेक्ट होते हैं बात करते हैं एडवांटेजेस की कि स्टार अपलोजीज के फ़ायदे क्या हैं इट इज़ ईज़ी टू मैंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क इस टाइप के नेटवर्क को बनाना बहुत ही आसान होता है सेकेंड फाइनिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल अगर इस नेटवर्क के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो हम इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं सिंगल कंप्यूटर फेल उज नॉट ब्रिंक डाउन द होल नेटवर्क अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है मिसाल के तौर पर कमेर थ्री खराब हो जाता है तो ये नेटवर्क बंद नहीं होता बल्कि सिर्फ कमेर थ्री बंद होगा बाकी नेटवर्क जो है वो चलता रहता है ये भी इसका एक फ़ायदा है अब इस टेक्लॉजी की कुछ डिसएडवानटेज भी हैं उनकी तरफ चलते हैं नंबर वन इफ सेंट्रल हब फेल डाय नेटवर्क ब्रेक डाउन अगर ये जो सेंट्रल वाली हब है यही खराब हो जाए तो इससे क्या होता है इससे आपका सारा सारा जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है क्योंकि तमाम तो कम्यूनर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं हब के साथ और अगर हब हाँ भी ख़राब हो गई है तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इस टाइप की टेपनोलॉजी को बनाना थोड़ा महंगा होता है क्यों क्योंकि हमें इसके लिए जो सेंटर वाली डिवाइस है हब इसको परचेज करना पड़ता है और इसकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए इस टाइप का नेटवर्क थोड़ा बस टेपोलॉजी की नस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो आज हमने बात किया फर्स्ट बोलॉजी और स्टार्ट बोलॉजी के बारे में रिमेनिंग हमारे पास तीन टाइप्स ऑटोपोलॉजीज रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच